नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बात करेंगे रीट 2020 और आरपीएससी फर्स्ट ईयर 2020 और अन्य भर्तियों को लेकर बड़ी खबरें के बारे में। तो इस वीडियो में अगर अपन आगे बढ़ाए और संपूर्ण जानकारी को और आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर ले, साथ में लगे बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए भर्तियों का अपडेट मिलता रहे और आप कोई भी अपडेट है वो मिस नहीं कर पाएं। जी मित्रों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा आरपीएससी फर्स्ट ईयर की एग्जाम डेट पोस्टपोन करवाने के लिए युवाओं का जो आंदोलन हुआ था, तो उसमें सरकार ने वादा किया था कि हम सितंबर में आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम कराएंगे 3000 पदों पर और 2 अगस्त को आपका रीट का एग्जाम कराएंगे। तो इसी को लेकर को सरकार ने अभी तक को ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की, तो युवाओं में अभी तक भी गुस्सा भरा हुआ है। तो उसको लेकर कल है वो जो किरोड़ीलाल जी मीणा है, उन्होंने विधानसभा का पैदल कूच किया और कल मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, यानी आज मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। जो आपका बजट पेश होने वाला है तो उसमें मजदूरों और बेरोजगारों की इन्होंने मांग उठाई है। तो इसी को लेकर आप इनका जो ऑफिशियल जो अकाउंट है ट्विटर अकाउंट से एक बड़ी खबर आ रही है कि सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आगे कहा कि फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती का जब आंदोलन चला था तब सरकार ने 2 आश्वासन दिए थे कि पहला 3000 पदों पर भर्तियाँ निकालने का व दूसरा 31000 पदों पर रीट है वो निकालने का, जिनको अभी तक नहीं निकाला गया। इसी तरह से 2013 में एलडीज की परीक्षा हुई जिसमें 1254 पद SC ST के खाली रह गए। 2018 की परीक्षा भर्ती में जोड़कर ST ST के उम्मीदवारों को जो है इसमें इसके साथ ही अन्य जो बेरोजगार प्रयोगशाला सहायक सूचना सहायक और इन सभी बेरोजगारों को सरकार के वादे के अनुसार सलेक्शन करना चाहिए था और सरकार ने ऐसा नहीं किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोचिंगों की भारी लूट और सरकार की फीस एक्ट के लागू किया जाए, जिसको प्रकार कोचिंग में मनमानी हो रही है और अपने मन से बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, तो बेरोजगारों का इसमें जो अहित हो रहा है तो उनके हित में इन्होंने आवाज़ उठाई है।